नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ, कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है जो आप हम तक लाना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिएगा। अच्छा, आप अगर पहली बार आए हो और थोड़ा से कन्फ्यूज़ हो गए कि ये तीसरी शक्ति के प्रकोप क्या, बाकी का तो हमें सब कुछ समझ आ गया, तो भूत प्रेत आत्मा समझते हो ना? हाँ, मैं उन्हें तीसरी शक्ति बोलता हूँ। उनसे रिलेटेड कोई किस्सा, कोई कहानी, कोई ऐसा अनुभव जो आपने या आपके रिलेटिव ने कुछ भी महसूस कराया, आप मुझे मैसेज करो। मैं हर कहानी को सच मानकर अपलोड करता हूँ, ठीक है? तो आपको जो बहुत से लोग बोलते हैं ना कि नहीं, ये मनगढ़ंत बातें हैं, तेरे साथ ऐसा कैसे हुआ था, तेरे पास कोई प्रूफ है, तो मैं नहीं मांगता। आप मुझे भेजो, मैं यहाँ से सुनाऊँगा। और हाँ, आज कहानी मैं अपनी तरीके से सुनाने वाला हूँ, तो कमर की पेटियाँ बांध लीजिएगा, डर लग सकता है। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम, आपकी जगह, ठीक है? और पहली बार आए हो, कहानी मैंने अच्छे से सुनाई समझाई, आपको समय सही व्यतीत करवा पाया, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब आप सपोर्ट करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ, हमने शायद मेहनत जो करी है सफल हुई। कहानी प्रमोद जी की है, दिल्ली से है, और ये तब की बात है जब दिल्ली में इतनी ज्यादा चहल पहल नहीं थी। ये जो आज का ट्रैफिक है उस वक्त नहीं था। एक अंदाजे के तौर पे बताता हूँ कि कहानी तकरीबन 33-35 साल यानी 33 से 35 ईयर्स पुरानी है। 35 साल पुरानी कहानी मानकर चलते हैं प्रमोद जी की, ठीक है? ये अपनी धर्मपत्नी और 3 बच्चों के साथ एक कमरे के मकान में रहते हैं। ये किराए का कमरा है और ये पेशे से पेंटर हैं। इन्हें तकरीबन 3-4 दिन बीत गए, आज बहुत उदास हैं। मन में एक अजीब सी एक उत्सुकता थी कि मैं इतनी अच्छी पेंटिंग करता हूँ, इतनी अच्छी पुताई करता हूँ, कहते हैं कि मेरे ब्रश में जादू है और मैं मालिक का कभी भी काम ख़राब नहीं करता, मैं मालिक का पैसा व्यर्थ नहीं करता। क्योंकि बहुत बार होता है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन बहुत से ऐसे पेंटर भाई भी होते हैं जो कि हाँ, जहाँ इतना लगना है वहाँ इतना सारा पेंट लगा देते हैं, ठीक है? और ये तब की बात है। अब आज की डेट में तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई, बहुत सारी सुविधाएं आ गई, लेकिन उस वक्त इंसान की मेहनत जो है वो बहुत होती थी और आमदनी उतनी नहीं हो पाती थी। ये 3 बच्चे हैं और इन्हें एकदम से परेशानी क्यों देखनी पड़ रही है, पैसों के लिए इन्हें दिक्कत क्यों हुई है? जहाँ ये जिस फैक्ट्री में काम करते थे, पता नहीं ऐसा क्या हुआ उस फैक्ट्री में कि उन्हें अब इतने लोगों की ज़रूरत नहीं थी, तो उन्होंने भाई अपना पल्ला झाड़ दिया, मना कर दिया। तो ये अब 1.5 महीना तो कोशिश कर पाए, लेकिन अब दिक्कत है। इन्होंने इधर उधर छोटा मोटा काम लिया, कभी किसी के गेट की रंगाई वगैरह कर दी, कभी किसी के एक कमरे को पेंट कर दिया, तो इन्हें कोई ऐसा काम नहीं मिल रहा था जिसकी वजह से ही अपने घर परिवार के लिए कुछ सोच पाए कि भाई एक पूरे घर का काम मिल जाए, या कोई एक बड़ी बिल्डिंग का काम मिल जाए, या कोई स्कूल का मिल जाए, हॉस्पिटल का मिल जाए। ये बड़े काम होते हैं, ठीक है? तो कोई ऐसा इनको अच्छा काम मिल नहीं रहा था। इनके काम में सफाई बहुत थी, ठीक है? और ऊपर वाला कभी कभी परीक्षा लेता है, कभी कभी वो परीक्षाएं थोड़ी लंबी चल जाती हैं, तो जो आस्था है डगमगाने लग जाती है। इनके साथ ऐसा ही हो रहा है। जो प्रमोद जी हैं, ये बालाजी को बहुत मानते हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, लेकिन ये जो अभी वक्त जा रहा है ना, इसमें आस्था के लिए, पूजा पाठ के लिए, मंदिर जाने के लिए या ईश्वर के सामने हाथ जोड़ने के लिए भी वक्त नहीं मिल पा रहा। ये सुबह निकलते हैं अपने घर से, तलाश करते हैं काम, लेकिन नहीं मिल पा रहा। जो बालक हैं, तीनों स्कूल जाते हैं, उनकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आई, क्योंकि इन्होंने अपने कभी चावल के डिब्बे में, कभी कहीं थोड़े बहुत जो जोड़ रखे हैं, उससे थोड़ा बहुत अभी कार्यभार संभल पा रहा है। जो धर्मपत्नी है वो कहती हैं कि ऊपर वाला हमारी परीक्षा ज़रूर ले रहा है, लेकिन देखिए ये वाले भी जो परेशानी के दिन हैं गुजर जाएंगे और आपको एक बहुत अच्छा काम मिलेगा। आज ये मानिए कि इनकी जुबान पर सरस्वती बैठ गई। इनकी धर्मपत्नी का नाम पार्वती है वैसे, और बड़ी कमाल की बात है कि पार्वती की जुबान पर सरस्वती ने विराजमान होकर ये बात सच कर दी, इन्हें काम मिला।
बड़ा बेहतरीन, एक बहुत आलीशान बेहतरीन एक घर तैयार हुआ है। उसके सामने से जब निकल रहे थे तो इन्होंने देखा कि जो उस पूरे उस मकान का सबको काम दे रहे थे, जिसे हम ठेकेदार कह सकते हैं, तो उनके सामने जाता है और कहता है कि मैं भी पेंटिंग अच्छी करता हूँ, पुताई के लिए आपके पास अगर लड़कों की कमी है तो मैं कर दूँगा। उन्होंने कहा लड़कों की कमी तो है लेकिन तकरीबन हमें 6 लड़के और चाहिए, आप अकेले क्या कर पाओगे? तो इसने कहा कि कितना है? उन्होंने कहा सारा ही है भाई, और जो मालिक हैं जिन्होंने आना है वो अगले महीने आ जाएंगे, तो इतने बड़े घर को अकेले तुम नहीं कर पाओगे, हमें 6 और चाहिए लड़के। पैसे कितने मिलेंगे? पैसे सुन के तो ये मज़ा ही आ गया, भाई इतने सारे पैसे मिलेंगे। तो इन्होंने क्या कहा, इनके पास ना 3 बड़ी वजह है बहुत सारा काम करने के लिए एक्स्ट्रा। पहला कि बच्चों की फ़ीस, दूसरा घर परेशानी में है, तीसरा कुछ समय बाद खाने की भी व्यवस्था बिगड़ने वाली है। तो इन्होंने अपनी सारी बातें इस ठेकेदार को बताई। ठेकेदार ने कहा कि ठीक है, जब तक लड़के नहीं आते तब तक आप कर लो, जो भी आपका हिसाब बनेगा उस हिसाब से पैसे मिल जाएंगे। ये बहुत खुश हैं। इन्हें सामान दिया गया और इन्होंने अपना पेंटिंग शुरू कर दी। बाकी जो लोग हैं वो अपना काम कर रहे हैं और इनके साथ 2 लोग और हैं जो कि इसी वाले फ्लोर पर पुताई कर रहे हैं। ठीक है, अभी यानी कि पूरे इस बंगले में 3 लोग पुताई वगैरह कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं। वास्तु के हिसाब से ये मकान कहीं से भी ठीक नहीं बना हुआ। जब इस मकान की स्थापना हो रही थी, जब इसकी नींव डली थी या जब इसके पिलर खड़े हो रहे थे, तो बहुत बहुत सारे अपशगुन हुए थे, जो कि आप और हम डेली सुनते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो अपशगुन है, बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो अपशगुन है, पिलर पे दरार आ रही है तो यानी किसी की बुरी नज़र है, आपने गेट को गलत साइड में लगवाया है तो भी अपशगुन है, घर के अंदर का जो एंट्रेंस होता है वो दिशा गलत है, आपका घर सन फेसिंग नहीं है, ये मतलब बहुत सारे हर किसी की अलग एक मान्यता है, आस्था है। इन्हें इस बात से क्या मतलब, हमारे को इतने पैसे मिल रहे हैं, ये सामने की दीवार है, हमें पेंट करना, बात खत्म, हमें क्या मतलब किसकी कैसी आस्था, क्योंकि गरीब आदमी अगर इन चीजों में पड़ गया तो खाएगा कमाएगा क्या। तो इन्होंने उस बात को, भाई इन्हें मतलब भी नहीं था और इन्हें इतना ज्ञान भी नहीं था। अब इन्होंने क्या करा, अपना जो वो लोग हैं जिनके साथ आज इन्हें ये पेंट का काम करना है, थोड़ा हाई हेलो हुई और उसके बाद सब अपने अपने काम पर लग गए। तकरीबन सुबह 10 बजे ये शुरू हुए थे और 3 बजे इनके खाने का समय हो गया था। इनके घर से 15-20 मिनट की दूरी पर है ये घर। ठीक है, ये सब एक कच्ची सी कॉलोनी है और ये एक आलीशान रहीसों की कॉलोनी है, थोड़ा सा ये डिफरेंस है। इन्होंने मालिक से कहा, वो जो ठेकेदार है, कि मैं घर जाकर खा सकता हूँ? उन्होंने बताया कि भाई घर जाओगे आओगे समय लगेगा, कल से यहीं खाना ले आना और यहीं ठीक रहेगा। चलो जी आज तो जा सकता हूँ? हाँ जा सकते हो। अब ये अपने घर गए, बताया, बहुत खुशी है। अब ये काम पर वापस आते हैं। काम पर आने के बाद जो लड़के इनके साथ काम कर रहे थे तो कहते हैं कि प्रमोद भाई एक काम करें, भाई जैसा आपने बताया कि आपको पैसों की ज़रूरत भी है, तो नीचे वाले फ्लोर को हम दोनों देख लेते हैं और जो नए लड़के आएंगे वो देख लेंगे, जो ऊपर वाली मंजिल है इसे आप अकेले पूरा कर लो, और अगर आपने पूरी कर दी तो ठेकेदार जो आपको पैसे देंगे उसमें आपको सहूलियत होगी, बहुत अच्छा रहेगा। हम ये सोच रहे थे, इसने कहा कि अगर ऐसा हो सकता है तो बहुत ही अच्छा होगा, क्या आप दोनों राजी हो? उन्होंने कहा हम दोनों तो यही सोच रहे थे, हमने ही कहा है तो हम तो राजी हैं। ये बहुत खुश हुआ प्रमोद की ऐसे दोस्त हर किसी को मिले। और देखिए उन्होंने कोई जानबूझकर नहीं बोला था, ना उनकी कोई ऐसी मंशा थी, कोई गलती नहीं थी, उन्होंने सच्चे दिल से साफ मन से ही अपने एक नए मित्र के लिए एक अच्छा अवसर खोला था कि तू भी पैसे कमा सकता है। इन्होंने अपना डिब्बा उठाया, ब्रश उठाया और जो उसने मालिक ने बता रखा था हर दीवार पर उस पेंट को और उसके सामान को रखा हुआ था कि जो इस कमरे में आएगा ये कलर है, ये ब्रश है, ये दीवार है, करो। एक तरह से सबको पता था जो भी आएगा, नया भी आ गया तो वो भी कर सकता है दीवार। अब ये पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद इन्होंने शुरू करा वो दीवार पर, पूरी दीवार पर इन्होंने तकरीबन 1.5-2 घंटे में पेंट कर दिया। ठेकेदार की आवाज आई कि भाई दिन ढल रहा है, कहाँ गए? अरे प्रमोद जी आप कहाँ पर हो, कौन सी जगह हो? तो इसने जब ऊपर से आवाज दी तो वो ठेकेदार बड़े मजाकिया अंदाज में आए कि अरे आपने क्या नीचे का सारा मकान कर दिया जो ऊपर आ गए? ऊपर जाकर देखते हैं तो प्रमोद जी ने तो एक कमरे की रौनक ही बदल दी, पूरा कमरा तैयार। इन्होंने आते ही ताली बजानी शुरू कर दी कि कमाल कर दिया आपने,
अरे भाई आपके कितने हाथ हैं प्रमोद जी, आपके हाथ थकते नहीं हैं क्या? तो वो बोले कि मैंने सही कराया, आप एक बार कमरा देख लो। तो उन्होंने कहा अभी तो देखो थोड़ा इस कमरे में अंधेरा सा है और कल इसमें सब में लाइटें वगैरह लग जाएंगी, सुबह देखते हैं। लेकिन आपने बहुत अच्छा किया है, बहुत सुंदर, कमाल कर दिया। आइए बाहर, वो जो हमारे भाई साहब हैं वो सबको पैसे का हिसाब करेंगे। ये बहुत खुश है, अपने पसीने वगैरह पहुंचता है, नीचे आता है, इसे पैसे मिलते हैं, बहुत खुश है। जो नीचे वाली दीवारें करी थी उसके भी पैसे मिले और जो ऊपर वाला कमरा किया उसके भी मिले, बहुत ज़्यादा खुश है। घर जाने से पहले आज बीच में से कुछ मिठाई खरीदी है, बहुत बहुत मतलब खुशी का ठिकाना नहीं है। और मिठाई इन्होंने तकरीबन 10-12 रुपए की खरीद ली। उस वक्त ये कीमत बहुत ज़्यादा थी, पैसों की वैल्यू आज लोगों को बिल्कुल नहीं है, लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा थी। घर पहुंचते हैं तो धर्मपत्नी ने जैसे ही देखा मिठाई तो वो बहुत खुश होती हैं। बच्चे बहुत खुश हैं और बच्चों के लिए छोटे छोटे कुछ जो खिलौने आते हैं, एक एक दो दो तीन तीन रुपए वाले जो साइकिल पर भाई लोग बेचते हुए जाते हैं, उस तरह का कुछ ले लिया था। घर में आज ये दिवाली है इनके लिए। इन्होंने इतनी खुशी एकदम से महसूस कभी नहीं करी थी, क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं थी कि ऐसा कभी हमारे साथ अच्छा हो सकता है। आज इनको भगवान जी से प्रार्थना करने का भी वक्त मिल गया, हनुमान जी के सामने आते हैं। घर में एक प्यारा सा छोटा सा मंदिर है और इतना छोटा है कि एक हाथ, मान लीजिए एक हाथ का है, उसमें राम दरबार है, हनुमान जी हैं। उनके सामने आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, आंखों में आंसू और कहते हैं कि धन्यवाद, आपने लाज रख ली और बहुत परेशानी में थे बालाजी, और हम आपने बहुत अच्छा किया। बस खाना खाते हैं, भरपेट खाना खाते हैं और सो जाते हैं। सुबह सुबह तकरीबन 6-6:30 बजे उठ गए, फटाफट से नहाए और मैं काम पर चलता हूँ। पहुँचते हैं तो नीचे ठेकेदार हैं और कहते हैं कि अरे आज आप मतलब कमाल हो गया, मैं अभी आया हूँ और मैं सोच ही रहा था कि आज जो सबसे पहले आएगा, हो सकता है कि वो आज सबसे पहले ज़्यादा पैसे बना ले, क्योंकि दिन भी अच्छा है, खिला खिला मौसम है। आप क्या कहते हो? उन्होंने कहा मैं तो आया इसी वजह से था, कम से कम 3 कमरे निपटा दूंगा आज मैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे प्रमोद जी, एक काम करते हैं, पहले वो जो आपने कल कमरा किया था वो देख लेते हैं। हाँ हाँ, चलिए चलिए, वहाँ जाकर देखते हैं तो उस पर हाथों के निशान हैं, तीनों दीवारों पर हाथों के अजीब से निशान हैं, छाप जिसे कहते हैं। ये क्या मजाक है प्रमोद जी? नहीं मैंने नहीं किया ये, और मैं इतने टाइम से पेंट कर रहा हूँ, मेरा हाथ का छाप नहीं हो सकता ये, तो ये मैंने कराए यहाँ पर। नहीं आप क्यों करोगे मालिक, और मैं अभी इसे ठीक कर देता हूँ। हाँ आप ठीक कर दो, क्योंकि गलती से अगर किसी और ने देखा तो आपका मजाक और उड़ जाएगा कि शायद आपको पेंट करना नहीं आता, क्योंकि पुताई में ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप पुताई कर रहे हो और आपने दीवार पर हाथ रखा हुआ है, क्या कर रहे हो? उसने कहा मालिक मेरे हाथ से तो बहुत बड़ा है ये हाथ, देखो तो सही आप ये। हाँ चलो ठीक है जो भी है, और ये देखो 3-4 जगह जो हाथ हैं, कहीं बड़े हैं कहीं छोटे हैं, चलो छोड़ो अब हम इसमें क्यों, आप इसे ठीक करो। हाँ मैं ठीक कर देता हूँ। अभी ने समझ नहीं आ रहा कि ये हुआ कैसे, पहली बात। अब जब ये मतलब पेंट कर रहे थे ना, पेंट करते करते मतलब गर्मी सी अजीब सी लगने लगी, या ये कह सकता हूँ कि इनको घुटन सी महसूस होने लग गई एकदम से। पानी है क्या किसी के पास? पानी है, मतलब इन्होंने 2-3 बार आवाज़ दी, क्योंकि नीचे लोगों की आवाज़ आ रही थी, तो इन्हें था कि नीचे काफ़ी लोग हैं और कोई ना कोई पानी की बोतल ऊपर तक दे देगा। जब कोई नहीं आया तो ये उतर कर नीचे गए, कोई भी नहीं है, नीचे पूरा फ्लोर खाली है। ये बाहर तक आते हैं तो ठेकेदार भी जा चुका है, यानी कोई भी नहीं है, पूरा का पूरा ये जो एक महल है ये खाली है। थोड़ा सा इन्हें डर लगाया, मतलब ऐसा कैसे कि मतलब मैं जब ऊपर काम कर रहा हूँ तो आवाज़ आ रही थी लोगों की नीचे बात करने की, और अब नहीं आ रही है। ये नीचे एक घड़े में पानी रखा हुआ था, उसमें से पानी पीते हैं, वापस ऊपर आते हैं तो जो इन्होंने पेंट किया था, पुताई करी थी, वापस उस पर छाप है। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा ये मेरे साथ मजाक कौन कर रहा है। ये रोने लगे वहाँ, एकदम से रोने लगे और कहते हैं कि कौन है जो कि नहीं चाहता कि मेरा भी घर अच्छे से चल पाए, क्यों कर रहे हो मेरे साथ, और मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेरे साथ ये सब मजाक मत करो, मैं काम के लिए आता हूँ, ये सब मत करो, आप जो भी हो कौन हो बार बार छुप जाते हो ये सब करके। इनका
नाम पुकारा किसी ने, दो कमरे छोड़कर इस वाले फ्लोर पर तकरीबन 7 कमरे हैं। बहुत बड़ा, बहुत आलीशान बंगला बोल रहा हूँ तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा है। तो इन्हें दूसरे कमरे से इनके नाम को किसी ने जब पुकारा तो ये उस तरफ चले। देख कर आते हैं पूरे घर में तो कहीं कुछ नहीं है। पूरे उस पे ना फ्लोर पर नीचे बरूदा पड़ा है, वो जो होता है ना लकड़ी का बरूदा, जैसे हम घर बनवाते हैं फ्लोर घिसने के लिए होता है ना, फ्लोर घिसने के बाद जो होता है बरूदा वगैरह, तो इस घर का कुछ अलग ही हिसाब किताब था। पेंट इन्होंने बाद में डिसाइड करा और ये सब पहले हो चुका था। तो जैसे जैसे ये चल रहे हैं ना, पैर जमीन पर सटा सटा के, क्योंकि उठा उठा कर नहीं चल सकते के, क्योंकि बहुत सी जगह लकड़ी का भी काम चल रहा है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ नुकीली चीज़ हो सकती है, तो इसलिए पैर को ये ज़मीन पर रगड़ के चल रहे थे। तो जैसे ये रगड़ रहे हैं, ऐसे कहीं और भी किसी और कमरे में कोई वैसे ही पैर रगड़ रहा है। ये क्या मजाक कर रहे हो क्या आप मेरे साथ? फिर आवाज आती है, प्रमोद प्रमोद प्रमोद। इन्हें घबराहट होने लगी, इन्होंने पसीना पहुंचा और उसी कमरे में आ गए जिस कमरे में ये सबसे पहले पेंट कर रहे थे। इन्होंने ब्रश उठाया और दीवार को कम देख रहे हैं, बार बार पलट कर पीछे देख रहे हैं बार बार कि कौन है, मैं देखना चाहता हूं कि मेरे साथ ये मजाक या बदतमीजी कौन कर रहा है। अब ये दीवार की तरफ भी एक हाथ चलाते हैं, फिर पीछे देखते हैं, फिर एक हाथ चलाते हैं, पीछे देखते हैं, तो वो जो एक हाथ का एक निशान था ना, वो छुप ही नहीं रहा था इनसे। ये मानिए कि कैसे समझाऊं कि किसी ने ऑयल हाथ पर लगाकर किसी दीवार पर लगा दिया ऐसे, और अब उस पर आप पेंट कर रहे हो या उस पर पानी छिड़क रहे हो तो वो ड्रॉप्स बन जाते हैं, वाटर बबल्स वगैरह बन जाते हैं, लेकिन वहां पेंट नहीं हो रहा है। बड़ी विचित्र सी बात हो रही है। अब जब ये पीछे देख रहे थे तभी ठेकेदार और कुछ पेंटर वगैरह आए और वो कहते हैं ठेकेदार भाई साहब कि प्रमोद जी आप रहने दो, आप एक काम करो, ये शायद आपसे हो नहीं पाएगा, हमने तो कुछ और ही सोचा था और पूरे कमरे का वही हाल है, सुबह आप जल्दी आ गए थे। नहीं मेरे को ना यहाँ पर कोई बुला रहा था तो मैं बार बार उधर जाकर देख रहा था और जैसे मैं चल रहा हूँ वैसी ही आवाज़ आ रही थी। अच्छा ठीक है, आप जो बोल रहे हो हमें नहीं समझ आ रहा, लड़के आ गए हैं ये सब इसको कमरे को ठीक करेंगे, आप अगर देखो मैं आपको एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, दूसरे कमरे को आप कर लो, अगर नहीं हुआ ये वाला तो मैं माफ़ी चाहूँगा, मदद नहीं कर पाऊँगा, मुझे मालिक को ये बंगला तैयार करके देना है, लेकिन मैं जो ये कर रहा हूँ इस पे ब्रश चल ही नहीं रहा है, मैं कैसे करूँ? अब तो ठीक है नहीं चल रहा तो ये लड़के हैं ना भाई, तुम दिखाओ कैसे चलता है ब्रश। इन लड़कों ने ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट में वो पूरे कमरे में जितने भी हाथ के निशान थे वो सब ढक दिए, छुपा दिए। हो गया जी प्रमोद जी, आपसे क्यों नहीं हो रहा था? आपके ब्रश में कुछ जादू है, आपको समझ नहीं आ रहा कि पेंट कैसे करना है, दीवार पर कैसे ब्रश चलना है? ये बच्चों ने भी तो किया ना, और आपसे उम्र में कम है, हुनर इनमें भी है ना। इसे ये बात नहीं समझ आई कि जब मैं कर रहा हूं तो ये छाप बन रही है और मैं नहीं कर रहा, ये साधारण तरीके से इन्होंने बालकों ने ब्रश चलाया और इस पर कोई हाथ नहीं बना। अपनी बात अपने तक रखी और इन्होंने दूसरे कमरे में अपना काम शुरू कर दिया। पेंट कर रहे हैं और पेंट करने के बाद लगातार इनको इनके नाम से कोई पुकार रहा है, लगातार इस कमरे में। ये मानिए कि इन्होंने गमछा था इनके पास, गमछा लिया और अपने कान पे सिर पर इस तरह से मतलब बैठा दिया, मतलब टाइट करके बांध लिया कि मुझे कोई आवाज़ नहीं सुननी, मन में जो डर है इस पर काबू करना है और ये सब मेरे मन का वहम है, ये मूर्खता है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, जब मेरी बात कोई किसी को सच नहीं लग रही तो सब मूर्खता है। इन्होंने पूरी दीवार पेंट करी, दीवार करने के बाद ठेकेदार को चेक कराई, बुलाया उसे, तुरंत बुलाया कि आप आ जाओ एक बार, क्योंकि बाद में कुछ कौन क्या करता है मुझे कुछ नहीं पता। इन्होंने ठेकेदार भाई साहब को बुलवाया, उन्होंने देखा, कह रहे कि अब भी तो आपने कमाल कर दिया, सिर्फ एक घंटे में उससे बड़ा कमरा आपने कंप्लीट कर दिया, बेहतरीन। अभी ये बात कर रहे थे दीवारों को देखकर, दूसरे लड़के भी इस कमरे में थे, तारीफें हो रही थी, सबको बहुत अच्छा लग रहा था,
दूसरे कमरे से सेम वैसी आवाज आई जैसे प्रमोद ने बताई थी। प्रमोद? क्या कौन? क्या प्रमोद? क्या मजाक हो रहा है ये? प्रमोद? ठेकेदार ने बाकी लड़कों से कहा, कौन है उस कमरे में और क्या बेवकूफी है प्रमोद जी को इस तरह से? प्रमोद जी, आपको ऐसी आवाज आ रही थी? हाँ हाँ जी, इसी तरह से आवाज आ रही थी और फिर वो निशान बने थे और जैसे जैसे मैं चल रहा था वैसे वैसे सरकने की आवाज आ रही थी। प्रमोद? अरे कौन है, बेकार की बातें कर रहा है, जाकर देख के आओ। और पूरे घर में देख लिया जी, कोई भी नहीं है। तीन लड़कों ने यहाँ काम छोड़ दिया सिर्फ इतने से मैं। ये तो छोटी सी बात थी, इसमें डरने वाले क्या, मतलब ये तो मूर्खता है ना, इतने में क्यों डर गए? ये सही निकले जो कि डर के निकल गए, क्योंकि इनके आगे तजुर्बे बड़े भयानक होते हैं। एक्सपेरिमेंट ट्राई, ये भूतों के साथ नहीं बनता बाबा, साइंस के साथ होता है। साइंस में होते हैं एक्सपेरिमेंट, भूतों के साथ नहीं। क्योंकि भूत प्रेत आत्मा अगर किसी की समझ आ जाए तो वो भगवान बन जाएगा, और आपकी और मेरी औकात नहीं है कि इन्हें समझ लें। ठीक है, लोग इसे अंधविश्वास बोल देते हैं कि ये देखो किसी मंदिर आए हैं या किसी मौलवी साहब के पास आए हैं, ये इस तरह से जो कर रहे हैं ये दिखावा है, ये कम पढ़े लिखे लोग होंगे जिन पर भूत प्रेत ने ऐसे असर कर दिया। अच्छा, ऐसा होता है। कुछ समय में आ रही है होली, है ना, चौराहों पर मिलेंगे टोटके, एक बार ट्राई करके देख लेना, फिर खेलना एक्सपेरिमेंट। ये पूरी दुनिया में पैरानॉर्मल स्टडीज हो रही हैं, सब मूर्ख हैं, बस एक वो अकलमंद है जो कि नहीं मानता। बहुत अच्छे, मत मानो मुझ पर, मंदिरों पर या उन मौलवी पर या प्रेतों पर, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मानो कि नहीं मानो। ठीक है, उनके अस्तित्व को आप झुटला नहीं सकते, और आपके ना मानने से उन पर फर्क पड़ेगा क्या? वो तो जब चाहें जब खेल दिखा दें। सच में हाँ, होते हैं भूत प्रेत, होते हैं, बस एक गलती और ये आपके पास। ये यहां से तीन लोग नौकरी छोड़कर बिना पगार लिए भाग गए। इन्हें बड़ा अजीब लगा। इन्होंने कोशिश तो करी, जो ठेकेदार है, इन्होंने कोशिश करी अपने मन पर काबू पा लिया जाए, लेकिन डर हर किसी को लगता है। ये कहते हैं कि प्रमोद जी, अगर आपको ऐसा लग रहा था तो आपने पहले दिन जो बताया हमें, अपनी बात सही तरीके से बताई क्यों नहीं? और ये जो छाप बन रही थी, आपने देखा था कि कर कौन रहा है? उसने कहा, नहीं मेरे को क्या पता, और मेरे सामने अगर कोई मेरे इस दीवार को इस तरह से कोई बेकार कर रहा होगा तो मैं क्या करने दूंगा। तभी इनके पास एक और पेंटर है जो खड़ा था, उसकी नजर छत से नहीं हट रही थी, वो लगातार छत को देख रहा था। छत तकरीबन 13 से 15 फीट ऊंची है, काफी बड़ा महल है, ऊंची ऊंची छत है, और वो लगातार छत को देख रहा है। छत घूरते हुए ठेकेदार ने उससे कहा कि भूत प्रेत दिख रहे हैं तुझे छत पर? तो उसने कहा, हां। क्या मजाक कर रहा है? अगर आप छत पर देखो, ये निशान कैसे बने? छत पर सेम वैसे ही हाथों की छाप बनी थी। यहां ठेकेदार को बड़ा अजीब लगा, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नहीं है, ऐसा हो कैसे सकता है? हमें जब कोई दिख नहीं रहा तो उसके निशान हाथ के कैसे बन सकते हैं? प्रमोद जी का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि ये ठीक दीवार के आगे खड़े थे। ध्यान से सुनिएगा, दीवार के ठीक आगे खड़े हैं, और इन्हें पता है कि ठेकेदार सामने खड़ा है और दो लड़के इधर खड़े हैं, और मेरे पीछे सिर्फ दीवार है, मेरे पीछे कोई नहीं। लेकिन जब इनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो एकदम इस तरह से घबराकर चिल्लाकर भागे कि मतलब उनसे किसी ने सवाल भी नहीं किया कि आप ऐसे क्यों भागे या क्या हुआ। ठेकेदार ने और बाकी पेंटर ने तो ये सोचा कि शायद वो जो छत पर निशान बने हैं उसे देखकर ये भागे हैं। ये सीधा इस महल नुमा घर से बाहर आ गए।
बाहर आने के बाद लंबी लंबी सांसें लेते हैं तो ठेकेदार पूछते हैं कि आपने ऐसा क्या देखा था, क्यों चिल्लाए थे? उन्होंने कहा, मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा था। अरे क्या मूर्खता है, हम आपके सामने खड़े थे, किसी ने हाथ नहीं रखा था। पेंटर जो इनके साथ बाहर भागकर आया था दूसरा, उसने कहा, अगर हाथ नहीं रखा तो इनके ये निशान कैसे है? उसी कलर का निशान, हाथ का छाप इनके इधर कंधे पर था। इन्होंने एकदम से अपना गमछा उतारा और उसे रगड़ रगड़ के पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि मजाल है वो हट जाए। इन्होंने अपना कुर्ता उतार कर फेंक दिया। हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप मेरा हिसाब कर दो मालिक, मैं कल से यहां काम पर नहीं आ सकता, मुझे आप जाने दो, मेरे से गलती हो गई, मैं नहीं कर सकता यहां। उन्होंने कहा, नहीं, आप जो देखा और जो मैंने देखा उसके बाद मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप यहां काम करो, और मैं भी नहीं, मैं किसी को नहीं, मैं मालिक को बता दूंगा कि हमने आज क्या देखा है, क्या क्या हुआ हमारे साथ। ये बात कर रहे थे तभी मालिक की गाड़ी आकर रुकती है, आलीशान लंबी लग्जरी बेहतरीन गाड़ी। गाड़ी में से चार लोग उतरते हैं, पहला ड्राइवर, दूसरे मालिक मालकिन, और तीसरी इनकी बड़ी बिटिया तकरीबन 22-23 साल की। इन सबको इस तरह से बाहर देखा, डरते हुए देखा, सवाल सबने एक ही किया, क्या बात हो गई, सब कुछ ठीक है? नहीं, सब कुछ ठीक नहीं है, आपके इस महल में भूत है। क्या, एक मिनट, तुम कौन हो? मैं ठेकेदार हूं और पेंट का काम मैंने ही देखा है, और मैं गलत नहीं कह रहा, ये तीन लोग और हैं, ये प्रमोद जी हैं, और इन्होंने सबसे पहले छाप देखी है दीवार पर। अच्छा, जो भी है, और ये दोनों कौन है? ये भी पेंटर हैं। अच्छा, इन्होंने भी भूत देखे हैं। कैसे थे भूत? क्या बेवकूफ वाले काम मत करो, अभी तक आपको नीचे वाला पूरा फ्लोर खत्म करना था। एक तो आपने काम देरी से शुरू करा, और आपको भी पता है कि हमें अगले महीने आना है, ठीक है? अभी बहुत सारा काम पेंडिंग है, लाइटों का काम है, झूमर का काम है, जब आप क्या कब खत्म करोगे इसे? एक काम करिए, आपके सबकी छुट्टी वगैरह कोई नहीं, आप आज से ही काम पर रहिए और 24 घंटे काम करिए। साहब, हम काम कर ही नहीं रहे तो हम आपको पैसे देंगे नहीं। हाँ, नहीं चाहिए पैसे, क्योंकि उसके आगे पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, जो हम कह रहे हैं आप हमारी बात मानो तो सही। तो ड्राइवर ने कहा कि ये गलत नहीं कह रहे होंगे साहब, इस वाली सड़क पर, हाँ पहले बहुत कुछ हमने भी सुना है, लेकिन किसी ने ऐसा ही बताया था कि जब से तुम्हारे मालिक का ये बंगला बनना शुरू हुआ है, रोड पर वो जो दिखता था अब दिखना बंद हो गया है, चौराहे पर अक्सर हमने उन प्रेतों को देखा है। तुम क्या बोल रहे हो पता है? इन सबको तो मैं, चलो ये सोच सकता हूं कि शायद ये अपना इस काम का पैसा बढ़ाने के लिए कर रहे होंगे, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम हमारे पास तकरीबन 12-13 साल से ड्राइवर हो, तुम्हें हमने कभी ऐसी मूर्खता वाली बातें करते नहीं सुना है, क्या है ये सब? उसने कहा, प्रेत होते हैं, और ये बच्चे गलत नहीं कह रहे होंगे, एक बार आप पंडित जी से बुलवा कर इस विषय में बात कर लो। अरे अब ये नई बात आ गई है, ठीक है, इन सबको भेज दो, मैं कल किसी और को बुला लूँगा, आप सब निकलो। और एक मिनट, मैं किसी की बद्दुआ लेकर नहीं मकान में आना चाहता, इन सबकी पेमेंट कर दो। इन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कहा और उन्होंने उन सभी के पैसे दे दिए कि ठीक है, कल से काम पर आने की ज़रूरत नहीं है। क्या लगता है, यहां बात खत्म हो गई? अरे यहां से तो शुरू होगी, क्योंकि इस कहानी का अभी अगला भाग आना बाकी है। ये जो प्रेत इन्हें महसूस हुआ, हर किसी के घर तक पहुंचने वाला है। एक मिनट, मेरी इस बात से यह मतलब तो नहीं निकाला हर किसी के घर तक, आपका घर? नहीं, जो कहानी में किरदार है मैं इनकी बात कर रहा हूं। आपके कैसे आएगा, आप तो मानते ही नहीं भूत प्रेत आत्माओं के बारे में, है ना? जिस दिन दिखेंगे उस दिन मानेंगे। रियली? देखने हैं, मैंने याद दिला दिया था आपको होली के बारे में, है ना? ट्राई करना। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम, आपकी जगह।
और ईश्वर पर भरोसा करो, चमत्कार होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।